हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इसमें मैंने अमेजन इंडिया से ऑनलाइन एक रेनकोट मंगवाया है, जिसकी मैंने आपको जैसे कि अभी अनबॉक्सिंग में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमेजन इंडिया से मेरे पास जो ये रेनकोट आया है, ये जो अभी जिस कंपनी है, जो भी एक लोकल कंपनी है, पर्सनल किट, और यहाँ पर लिखा है रेन स्वीट। साइज़ जो मैंने बुलाया है मेरे लिए XL। ठीक है, अगर आपको साइज़ के लिए जो भी आपको चाहिए, XXL चाहिए साइज या कोई बड़ा चाहिए, तो वो आपको अमेजन इंडिया पे देखना पड़ेगा ऑनलाइन। ठीक है, अगर इसको ये पसंद आए आपको या आप इसे रेन कोट को लेना चाहे, तो अमेजन इंडिया का लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप आराम से चेक भी कर सकते हो। और इसके आपके साइज़ के अनुसार, आपकी ज़रूरत के अनुसार आप इस रेन कोट को बुला सकते हो। ठीक है, अनबॉक्सिंग जैसे कि आपने दिखाई मैंने आपको कि जो इसकी अनबॉक्सिंग थी और पैकिंग थी, काफ़ी अच्छे से अमेजन इंडिया यानी कि अमेजन प्राइम ने इसको बड़े ही अच्छे से भेजा था। यहाँ पर देखो, काफ़ी जो बैग है काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लग रही है, वाटरप्रूफ बैग है, मतलब रेनकोट के को सेफ्टी के लिए भी इन्होंने बहुत ही अच्छा दिया है। ठीक है, और ये जो सेलर है या जो कंपनी है, लोगों जाविया करके है, पर्सनल किट बाय जाविया। ठीक है, जाविया की तरफ से ये अमेजन इंडिया ऑनलाइन से मैंने इसको ख़रीदा है। ठीक है, इसका प्राइस कितना है, प्राइस इसकी क्या है, कम ज़्यादा होते रहती है, तो आपको अमेजन इंडिया पर ऑनलाइन देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने बेस्ट बाय लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा आपको, तो चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप आराम से इसे खरीद भी सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो इसे खोल के देखते हैं और इसका साइज़ चेक करते हैं कि प्रॉपर इन्होंने सही भेजा है कि नहीं है। मेरे केस में मेरे पास जो साइज़ है वो XXL। ठीक है, XXL ये साइज़ मुझे लगता है, मुझे रेनकोट की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी दिख तो रही है। अभी अब इसको पहन के देखना पड़ेगा कि फटे ना, क्योंकि कई सारे रेनकोट क्या होते हैं, ये बैग को मैं साइड में रखता हूँ, इसी के साथ एक बैग भी आता है, वो भी वाटरप्रूफ ही लग रहा है मुझे कि इसको ख़राबी ना हो। अंदर से क्वालिटी देखी तो ठीक ही लग रही है मुझे, उतना मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। अगर इसको फाड़ने की कोशिश करें तो नहीं फट रहा है, क्वालिटी तो ठीक दिख रही है मुझे, बट वो तो पहनने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, अब इस बैग को मैं रखता हूँ साइड में और सबसे पहले देखते हैं रेनकोट को पूरा ओपन करके। तो ऊपर के हिस्से में रेनकोट जो दिया है इन्होंने, ये साइज़ है, देख लो आप, ये पैंट का साइज़ है रेनकोट के, ये देखो, ये कुछ इतना आपको दिखाई देगा। मेरे केस में जो ये साइज़ है वो XXL वाला साइज़ है। ठीक है ना, तो आप वीडियो देखने के बाद आराम से उसका अमेजन इंडिया का लिंक चेक कर सकते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से दिखेगा। इसको मैं पहन के भी दिखाऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो ये पैंट हो गया। सबसे पहले कोई भी पैंट खरीदते हो आप, तो आपको ऐसा हाथ अंदर एंटर करने के बाद इसका जॉइंट चेक करना है। ये जॉइंट ही सब कुछ होता है, क्योंकि यहीं से फटना चालू होता है। तो जॉइंट की जो सिलाई होती है ना, वो एंगल वाली होना चाहिए, ऐसा एंगल। तो यहाँ देखते हैं इन्होंने एंगल दिया है क्या। हाँ, दिया तो है, देखो ऐसी एंगल सिलाई मारी है, यानी कि ये फटने की संभावना कम है। ये खासियत होती है, यही नहीं, हर पेंटों में ऐसी एंगल सिलाई मारते हैं, यानी कि इसको दोबारा चेक किया है सिलने के बाद किसी ने, ऐसा ये मेरे को फैक्ट बताया था किसी ने। तो यहाँ देखो, दोनों साइड एंगल सिलाई दिख रही है, ध्यान से देखोगे अब तो आपको ऐसा और ऐसा एल मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया पेंट अपना, और थोड़ा सा मैं पास में करके दिखाता हूँ आपको। इसका जो कलर है वो ब्लैक और हल्का सा ग्रीन है, हल्का सा, आपको देखो कैमरे में अगर दिख रहा होगा तो ये पूरा ब्लैक और हल्का सा आपको ग्रीन दिख रहा है। ठीक है ना, अब मेरे केस में फ्रेंड ये थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक और हल्का सा ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, और ये जो सेलर है, जो कि बेस्ट सेलर अमेजन दिखा रहा है, इसकी कम से कम लगभग 3 की रेटिंग है, 3-स्टार रेटिंग है। तो मैंने उस रेटिंग को, आपको कोई भी प्रोडक्ट वैसे रेटिंग देख के ख़रीदना है, ठीक ठाक रेटिंग है, 3-स्टार दिए है, इसका मतलब कि अगर आपको बजट में ही चाहिए सबसे सस्ता प्राइस, तो अभी इसकी अगर रियल टाइम प्राइस देखे तो लगभग 400 रुपीज़ इसकी प्राइस है, 400 रुपये। लेकिन ये कम ज़्यादा डेली होते रहती है। आप बाय हटके का एक्सटेंशन आपके गूगल क्रोम के ब्राउज़र में लगा के इसकी प्राइस को डेली ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कम ज़्यादा भी होती है। अभी कुछ दिन पहले ये सस्ता था, अब मैं ध्यान नहीं रहा मुझे, जब मैंने इसको ऑर्डर किया तो महंगा हो गया था,
तो आपको देखना है, अभी लिंक आप चेक कर सकते हैं। अभी वैसे इसकी ज़्यादा नहीं प्राइस बढ़ रही है, नहीं ज़्यादा घट रही है, सेम प्राइस है। तकरीबन अभी 2-3 दिन पहले ये 350 समथिंग का भी था, लेकिन अभी और मेरे केस में मुझे डिलीवरी चार्ज लगा है, क्योंकि अगर आप नए कस्टमर या नया अकाउंट क्रिएट करते हो 30 डेज का जो अमेजन प्राइम का ट्रायल है वो फ्री भी मिलेगा आपको, तो उसमें 40 से 50 रुपये आपकी लोकेशन के हिसाब से डिलीवरी चार्ज बच जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखो इसकी क्वालिटी, पीछे पे पैंट में एंगल बनी हुई है, यानी कि इसको चेक किया गया है सिलने के बाद। तो ये हो गया पैंट, इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ अभी। अब ये देखते हैं शर्ट की क्वालिटी। अभी शर्ट भी मुझे जो रेनकोट है मतलब मेन वाला, तो रेनकोट में ये गलती की है इन्होंने कि ये जो ये वाला है ये देखो, ये बस थोड़ा सा जॉइंट है ये वाला, ये पूरा वैसे जॉइंट होना चाहिए था, बट ठीक है क्योंकि अगर बारिश आती है तो यहाँ से थोड़ा सा पानी घुसने की संभावना रहती है, क्योंकि मुझे रेनकोट लगते रहता है, आपको पता है जैसे कि मैं ब्लॉग भी शूट करता हूँ। तो शर्ट की अगर क्वालिटी देखे तो कुछ इस टाइप का आपको शर्ट मिलेगा, ठीक है। मेरे केस में आपको इस टाइप का, अभी इसको मैं थोड़ा पहन के भी दिखा देता हूँ आपको, देखते कैसा दिखता है, ठीक है। चलो इसको मैं पहनता हूँ। यहाँ से भी पानी नहीं घुसेगा, ये ज्वाइंट है यानी इधर से, ठीक है। और यहाँ पर एक काफ़ी ये स्टिप यहाँ दिए उन्होंने चिपकाने की, ठीक है, ये ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलेगी। और ये मेरे ख्याल से तो मेरे साइज़ का तो ठीक है, मेरे साइज़ का XXL वाला साइज़ ठीक है। और जो चैन की ग्रिप है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, अभी तो उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लेकिन ठीक है। अब मेरे केस में अगर मैं कितना भी हिलूँ डुलूँ ये देखो, तो मुझे तो अभी दिक्कत नहीं जा रही है, फिट है, क्योंकि मैं तो दुबला पतला इंसान हूँ। तो थोड़ा आप अगर थोड़े से हाइट में हो या तो आपको बड़ा साइज लार्ज लेना पड़ेगा, वहाँ अमेजन इंडिया पे जब आप खरीदोगे ना तो वहाँ पर लार्ज साइज लेकर ना वो आपको पता है आपको कौन सा साइज लगेगा, ठीक है। तो साइज़ देखना बिल्कुल ना भूले, नहीं तो उल्टा सीधा आ सकता है, क्योंकि आजकल क्या लोग जल्दी में, इसलिए मैंने 3-4 लिंक दे रहा हूँ मैं, तो बड़ा छोटा XL वहाँ से आप देख सकते हैं, सामने सिंपल सा लिखा रहेगा अमेजन इंडिया पे। अब इन्होंने यहाँ एक चैन दिया है, चैन को यहाँ से पानी ना घुसे, तो ये यहाँ पर एक स्प्लिट बनी दी है, तो इससे आप ढक सकते हैं, ठीक है। अब मान लो ये बार बार खुल रहा है ना, तो चैन को यहाँ पर पूरा ऊपर करने के बाद यहाँ से लॉक कर सकते हैं। और एक स्प्लिट इन्होंने यहाँ दिए कहीं पर, ये लो ये देखो, ये चिपक गया, यानी कि मेरा गर्दन जो पूरा फिट हो गया है, ये देखो, ठीक है, ये वाला, ये लॉक एक यहाँ पर दिया है। अब पेंट में कैसे दिखाऊँ, यहाँ पर इमरजेंसी में मोबाइल फ़ोन रखने के लिए एक वॉलेट इधर दिया है इन्होंने, ठीक है, और इमरजेंसी में एक वॉलेट इन्होंने इधर दिया है, ठीक है, और बाकी तो मुझे कहीं भी ऐसा वॉलेट नहीं दिख रहा है, बस दो वॉलेट दिए, एक इधर जिसमें कि आपका एक छोटा स्मार्टफोन आ सकता है, बड़ा स्मार्टफोन तो मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि हाँ फ्लैट रखोगे तो आ जाएगा, काफ़ी बड़े जेब है, ठीक है। मोबाइल को छुपा के आप रख सकते हैं इमरजेंसी बारिश में, या आपका पर्स आ जाएगा दो, ठीक है। ये इस टाइप का मेरा इतना हाथ घुस रहा है इसमें, ठीक है।
और ये सबसे मेरा ख्याल है सबसे छोटा साइज है मुझे लगता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे केस में मेरे को इतना खुला चाहिए, क्योंकि ऐसा जैसे कि हम ब्लॉग शूट करते हैं आपको पता है ब्लॉग शूटिंग के लिए, और ये इससे कुछ साइज इसका मिलेगा। अब मैं थोड़ा पीछे दिखा देता हूँ, ये मेरा कुछ फिट है इतना, ठीक है। और अगर मैं पीछे घूमूँ तो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, और ये मेरा जो ये वाला साइज है मेरे लगभग पूरे मेरे कमर से नीचे जा रहा है, कमर ढक गया मेरा पूरा नीचे, देखो ये यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। अब पेंट दिखा देता हूँ मैं आपको, पेंट तो फिर फिट ही आएगा मेरे केस में, जो पेंट है मेरे को काफ़ी बड़ा हो रहा है, लगे तो छोटा नहीं होगा बड़ा होगा, क्योंकि इतना छोटा साइज है तो पेंट तो बड़ा ही होगा, कि शूज़ में पानी लगे अगर बारिश कस के बारिश आ रही है तो इधर पड़ेगा इधर पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे यहाँ से पानी होते हुए इस पेंट पे आएगा, तो शूज़ में पानी ना एंटर हो घुसे ना अंदर शूज़ में, तो ये पेंट इस साइज का है कुछ, ये देखो ठीक है इस टाइप का ये आपको पेंट मिलेगा। तो ये था फ्रेंड रेनकोट की छोटी सी अनबॉक्सिंग, बनकर आपको दिखाना चाहिए, अमेजन इंडिया पे ऐसे भी आइटम मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी का है उतना एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अगर मैं इसको फाड़ने की कोशिश करूँ तो फट तो नहीं रहा है, लेकिन इसको 2-4, 10 दिन 1 महीना यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि अभी भी तो बारिश स्टार्ट ही हुई है तो फट तो नहीं रहा है, लेकिन ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा तो फट जाएगा, तो ऐसे भी रेनकोट नहीं हो रहा है, फट तो नहीं रहा है क्योंकि ज़्यादा कोशिश करूँगा तो फट भी जाएगा। अभी कौन सा कपड़ा है किस टाइप का प्लास्टिक है आई डोंट नो, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा तो पढ़ सकते जाके, मैंने तो अर्जेंट था मुझे तो बुलवा लिया, ठीक है। फट तो नहीं रहा है, पन्ना रहा है जिसको अपन बोल सकते हैं, तो इसका लिंक फ्रेंड मैंने नीचे दिया है, चेक कर सकते हैं। इस टाइप का कुछ रेनकोट है मैंने पहन लिया, लेकिन गर्मी होती है, ये वो रेनकोट नहीं है, ये बस टेम्प्रेरी मैंने बुलाया था अभी के लिए, क्योंकि जो मेरे पास बड़ा वाला जैकेट रेनकोट है उसमें दिक्कत ये है कि हैंडल नहीं होता है, फिर ऐसा हम कैम नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो यहाँ से जॉइंट होते हैं वो रेनकोट वाले, तो ऐसे 4-5 लिंक मैं दे रहा हूँ आप चेक कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ इस बेस्ट और टिकटॉक अमेजिंग वीडियो के साथ, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें कि रेनकोट की अभी बारिश में सबको ज़रूरत है, तो आपको इस टाइप से कुछ मिलेगा है ना, समथिंग 5-1, 3-1 वाला इसका यहाँ से आपको दिखेगा, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और फिर मैं मिलता हूँ, जिसको भी रेनकोट की रिक्वायर्ड हो तो आप देख सकते हैं, और अगर आप इसको आप यूज कर देते हो तो आपको इस टाइप का मिलेगा जाएगा, ठीक है ठीक है। तो ये था छोटा सा अनबॉक्सिंग जो कि मैंने आपको दिखा दी, फिर ठीक है फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।